जूनियर और प्राइमरी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज विविध में सामान्य अध्ययन किन 50 नंबर की जो सीरीज है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय संविधान में संसद। आज हम संसद से कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके भर्ती परीक्षा में जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, जहाँ से आपके लिए पढ़ना जरूरी और महत्वपूर्ण है। अगर आप भविष्य में सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत तक कॉपी और कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके सरकारी नौकरी तक ले जाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। क्योंकि इस वीडियो के जितने भी MCQ प्रश्नों की सीरीज होगी, हम इसके कुल उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि हम इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपकी थियोरी जो सीरीज है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए और वही प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सीधे भर्ती परीक्षा में पूछा जाए। आपके सामने आपके डिस्प्ले पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। अगर आप मेरी क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे इलनी बे दुर्गेश पर ले रहे होंगे, एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं प्रतिदिन आपको लाइव पढ़ाता हूँ। तो आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है कि निःशुल्क शिक्षा ही आपके लिए है, राष्ट्रीय और देश हित में, प्रतिदिन 9:30 बजे। एकदम आसान है, मैं चाहूंगा सभी साथी इसका जवाब दे फटाफट। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता। इसके दो एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पर, 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेवानिवृत्ति होते हैं। सेवा, ध्यान से लिख लीजिएगा, निवृत्त होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 वर्ष का जो कार्यकाल होता है एक एक करके चलता रहता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है, इससे कभी विघटित, कभी भी किसी भी दशा में भंग नहीं किया जा सकता। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जुड़े रहिएगा और लिखते चलिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन की आधार प्रश्नों की सीरीज है, यहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। यह राज्यसभा का अस्थाई सदन है और इसका कभी विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त होते रहते हैं, इसलिए इसे राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, जो कभी भंग नहीं हो सकती। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर होना, अपना कार्यकाल पूरा करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको ध्यान दे, जैसे मान लीजिए 150 सदस्य हैं, अगर 150 सदस्य हैं, अगर इनकी नियुक्ति, जैसे 50 लोगों की नियुक्ति 2020 में हो गई, ठीक है, फिर 2 वर्ष बाद 2022 में फिर 50 लोग की नियुक्ति होगी, फिर 2024 में फिर क्या होगी, 50 लोगों की नियुक्ति होगी, फिर क्या होगा 2026 में, तो यहाँ तब तक ये वाला क्या होगा, रिटायर्ड होगा, इसकी सीट खाली होगी, फिर 50 लोग आएंगे, फिर 2026 के बाद फिर 2028 आएगा, इसमें ये सेवानिवृत्त होंगे और ये आएंगे। मतलब 6 साल का जो कार्यकाल होगा वो क्रम बाई क्रम चलता रहेगा। माने एक का कार्यकाल खत्म होगा, एक आएगा, फिर दूसरा जाएगा, इस प्रकार सभी का कार्यकाल 6 होगा, लेकिन हमेशा 100 सदस्य इसके, देख रहे हैं आप, 100 सदस्य हमेशा क्या रहेंगे, इसके फिक्स में रहेंगे। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए आपको। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, समझ में आप लोग को? चलिए, यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, ऊपर मैंने बताया कि 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, इसलिए इस दिए गए प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है। देखिए, ये सीरीज आपके लिए प्रतिदिन रात 9:30 बजे आती है और आज हम क्लास को थोड़ी तेजी से खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोग ना शेयर करते हैं ना आप लोग लाइक करते हैं। आप लोग के लिए गला फाड़ के कितना भी पढ़ा लीजिए, आपको गले नहीं उतरने वाला है कि लोगों की मदद करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इसलिए थोड़ी सी तेजी से पढ़ाएंगे और आज की क्लास जल्दी खत्म होगी। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है, क्योंकि सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे भारत संसदीय लोकतंत्र रूप में क्यों जाना जाता है।
इसमें से चार विकल्प में से कौन सा आपके अनुसार सबसे सही विकल्प होगा? तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। देखिए बाकी सभी क्लासेस चलती हैं, अगर आपको अन्य क्लास के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लास पूरी तरह से निःशुल्क चलती है जौनपुर जनपद से, ठीक है? ईवीएस क्लास प्रतिदिन लाइव चलती है, और आप उसके लिए पता कर लीजिएगा कैसे क्या होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, भारत एक संसदीय लोकतंत्र रूप में ज्ञात है, क्योंकि सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का जवाब जो होगा वो ये होगा कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। अब राष्ट्रपति के संसद सदस्य होने से न होने से लोकतंत्र की कोई भी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती। दूसरा, संसद सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। जी जरूरी नहीं है कि जहाँ पे संसद के सदस्य जनता द्वारा चुने जाए वो लोकतांत्रिक हो, लेकिन जो कार्यपालिका होती है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है? दूसरी बात है कि शक्तियां केंद्र तथा राज्य के बीच अस्पष्ट रूप से बांट दी गई हैं। चारों विकल्प अपने आप में सही लग रहे हैं लेकिन एक गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही विकल्प होगा वह इसका होगा सी, जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ पर जो कार्यपालिका होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। अध्यक्षीय सरकार में जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो होगा वह शीर्ष का राइट आंसर होगा, ठीक है? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी सदस्य जो है संसद सदस्य वो भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम यूएसए ले सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ले सकते हैं, ठीक है? इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प हम लोग मानेंगे वो आपका सी, इसका राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो जरूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है? अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो जरूर पूछिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है, वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हो पाए? इनकी कहानी काफी लंबी है लेकिन आज वो आप लोग के काम के नहीं है, ठीक है? देखिए जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है भगवान उनकी बुद्धि विवेक ऐसे बनाए रहे और पूरी जिंदगी भर यही काम करते रह जाए, और जितने लोगों ने मेहनत से पढ़ रहे हैं भले वीडियो को लाइक किया है नहीं किया है, ईश्वरों को उनके माता पिता का आशीर्वाद के साथ उनको जल्दी से अगली शिक्षक भर्ती में एक स्थान फिक्स कर दे। और लेकिन जो अनलाइक करने वाले हैं पूरे जीवन काल ऐसे ही करते रह जाएं, ठीक है? क्योंकि उनकी हरकत यही है और ईश्वर ऐसे उनकी हरकत बनाए रहे आने वाली 7 पीढ़ियों की। ध्यान से देखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं थे। इस प्रश्न का जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा, वो संसद का शपथ तो ले लिए थे लेकिन अगर वो जाते तो उन्हें बहुमत साबित करना पड़ता और ऐसी स्थिति में उनके लिए दिक्कत हो जाती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि जब संसद में उपस्थित होते इनको बहुमत साबित करना होता। अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो लगभग 6 महीने तक था लेकिन उस समय ये उपस्थित नहीं हुए, ठीक है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर सी इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लाइक करो करें, पैसा वैसा नहीं मिलता, बस ये होता है कि समझ में आता है कि लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, लोग मोटिवेट होते हैं, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा क्या है? अस्थायी निकाय है, अस्थायी निकाय है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन है, बिना स्पीकर वाला सदन है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए स्पीकर बिना स्पीकर इसका कोई मतलब ही नहीं है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन नहीं है इसका भी यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, अस्थायी निकाय है अस्थायी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आप लोगों ने एकदम सही बताया है। जी हाँ, यहाँ का उत्तर निकाय है, क्योंकि हमने पहले बताया है राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती, इसलिए यह एक अस्थाई सदन है। ये क्या है? यह अस्थाई सदन है, इसका विघटन कभी नहीं हो सकता, इसके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त होते हैं या पदमुक्त होते हैं, ठीक है? इसलिए इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। लोग प्राय यहाँ पे ऐसी गलतियां कर देते हैं कि मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसी गलतियां भविष्य में कभी मत करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बताइए राज्यसभा के सदस्यों का
क्या होगा? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से चार विकल्पों में से एक विकल्प बताएं, क्योंकि आज क्लास थोड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि बताइए फटाफट कमेंट करके सभी साथी, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी जो लोग लाइव हैं वो सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइए भैया। आप लोग तो जवाब ही नहीं देते हैं, ऐसा लग रहा है कि चलिए अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरा ही काम है मुझे बताना, स्पष्ट करना सभी तथ्यों को। पहले बताइए आप लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं, देखिए अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, शिक्षक भर्ती परीक्षा अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करनी है, तो आपको कक्षा में पूरी तरह से सक्रिय रहना होगा और सक्रिय होकर दिए गए प्रश्नों का जवाब भी देना होगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। गलती होगी हम उसको सुधार कराएंगे, हम बताएंगे कि आपने कहाँ गलतियां की, कहाँ से आप सही कर सकते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपना बेहतर देते रहना पड़ेगा, ठीक है? चलिए तो बिना देरी किए अब हमें और आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा से चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, जी नहीं, क्योंकि यहाँ इसका कोई उपबंध नहीं है। दूसरा, चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, पता नहीं। चुनाव लोकसभा और राज्य की विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, फिर क्या रहा है? नामांकन प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर एक बात आप लोग ये जानते रहिएगा कि यहाँ पर इसके आधार पर क्या होगा, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके, लाइव जो देख रहे हैं वीडियो को वे जरूर कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा चाहे गलत या सही। एक बात ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा जो होता है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, किसका? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसके जो सदस्य हैं वो राज्यों से चुनकर जाते हैं, माने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है उनके जवाब सही हैं। सोचिए आप सभी लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एक बात यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो राज्यसभा होता है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्य कहाँ से जाते हैं, किस राज्य से, कमेंट करके बताइएगा, और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये राज्य के सदस्य जो राज्य सरकार होती है वहां से नहीं, ये विधानसभा द्वारा चुनकर जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो बी होगा, बाकी विकल्प इसके गलत हैं। तो प्रायः लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन आप लोग आगे से ऐसी गलतियां मत करिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और आप लोग को भविष्य में सरकारी शिक्षक बनना है, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो कमेंट करिए, क्योंकि अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कोई दिक्कत कोई समस्या जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, ये भगवान। चलिए कोई बात नहीं, चलिए समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, राज्यसभा के लिए नामित पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी, बताइए राज्यसभा के लिए नामित पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, राज्यसभा के लिए नामित पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी, फटाफट कमेंट करिए सभी साथी, फटाफट कमेंट करिए, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो भी साथी मित्र इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। देखिए नरगिस दत्त इससे राइट आंसर है, राज्यसभा है तो सबसे पहली नामित अगर कोई अभिनेत्री है तो कौन है? वो नरगिस है। कौन होगा? नरगिस दत्त है, इसलिए यहाँ पर दिए गए जो प्रश्न है इसका सबसे सही विकल्प जो होगा वो क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा, मतलब जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, माने ए वालों का राइट आंसर होगा। क्लियर? एनी डाउट किसी को? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपकी भर्ती परीक्षा में बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक है ऐसी गलती नहीं करेंगे।
सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी साथी इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। एकदम यूनिक प्रश्न है जो आपकी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी 14 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 14 दिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर 14 दिन बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। कितना दिन? 14 दिन है। जी हाँ एकदम राइट आंसर है आपका कि 14 दिन। ठीक, कितना दिन? 14 दिन। तो आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक, देखिए तो याद रखिए धन विधेयक कहाँ पे है, धन विधेयक ये है अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। यहां से एक प्रश्न आपका पूछेगा अनुच्छेद 110 में, 110 में क्या है? धन विधेयक है। क्या है आपका? धन विधेयक। धन विधेयक कहां पे है? अनुच्छेद 110 में है। दूसरी बात, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में ही सबसे पहले धन विधेयक को लाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा द्वारा पारित किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा अपनी सिफारिश सहित लौटाना चाहिए। अगर कहां पे दिया गया है 14 दिन सहित लौटाना चाहिए, तो यह अनुच्छेद 109 में दिया गया है। कहां पे दिया गया है? यह अनुच्छेद 109 में दिया गया है कि धन विधेयक सबसे पहले, जैसे यहां पे दो सदन होते हैं, कौन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो धन विधेयक सबसे पहले कहां पेश किया जाएगा? लोकसभा में। किसके परामर्श के बाद? राष्ट्रपति के। और कौन किसी भी विधेयक को धन विधेयक है यानी कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। यह यहां से पारित होने बाद राज्यसभा के पास जाएगा। अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर पारित करेगी, नहीं तो पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश स्वीकृत करे या स्वीकृत करने का अधिकार होगा। जैसे अगर कोई सिफारिश करती है राज्यसभा, तो चाहे लोकसभा माने चाहे तो ना माने, ये लोकसभा के ऊपर होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, समझ में आ रहा है सबको जो लाइव देख रहे हैं? सभी लोग समझ में आ रहा है ना? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग कर ले, बाकी आपकी इच्छा। अगला प्रश्न देखिए, ये वीडियो फेसबुक पेज पे भी यूट्यूब पे दोनों पे निशुल्क आपके लिए लाइव चल रहा है। देखिए भैया, प्रश्न जिसको पूछना लास्ट में पूछेगा, अभी केवल पढ़ने पे ध्यान दीजिए, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ईमानदारी से पढ़िए, दूसरों को पढ़ने दीजिए। ठीक है, यहाँ फालतू की दूसरों को परेशान मत करिए। जिनको पढ़ना ईमानदारी से पढ़ें, लाइक करो या ना करो, शेयर करो ना करो, लेकिन जितने लोग पढ़ें ईमानदारी से पढ़ें, नहीं बाकी लोग क्लास छोड़ दें। बाकी उनको डिस्टर्ब मत करिए जिनको सरकारी नौकरी करनी है। दूसरी बात है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। कब बन जाता है? ध्यान दीजिएगा, किसी विधेयक को कब अधिनियम बनता है ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ाना और समझाना चाहूंगा। जैसे ये हो गया हमारा संसद, ये हमने क्या बना दिया? ये हमने भारतीय संसद बना दिया। क्या बना दिया? भारतीय संसद बना दिया। अब इस संसद में क्या है? ये राष्ट्रपति हो गया, ये हो गया राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? लोकसभा यहां पे, फिर राज्यसभा। देखिए संसद के तीन प्रमुख अंग होते हैं, और संविधान बनाने की जो भूमिका है ये तीनों की है। संविधान बनाने में जो भूमिका है वो तीनों की है। कैसे कैसे हैं, आइए एक बार हम लोग इसे जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी विधेयक, कभी भी, जब भी कोई विधेयक, चाहे वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए चाहे वो राज्यसभा में, दोनों सदनों में से कहीं भी सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में आया, तो राज्यसभा से पारित होने के बाद कहां जाएगा? लोकसभा में। किंतु अगर सबसे पहले लोकसभा में आया, तो लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। यदि दोनों सदनों से वो पारित हो जाता है, तब यह विधेयक इसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, किसी भी बिल कोई विधेयक कहते हैं, बिल कोई क्या कहते हैं? विधेयक। जब किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, तो वह विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है। लेकिन कभी कभी संविधान संशोधन धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद को लौटा सकता है, किस लिए? पुनर्विचार करने के लिए। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद यदि फिर से संसद माने लोकसभा राज्यसभा उसे ज्यों का त्यों या थोड़े परिवार यदि के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। अगर वैसा नहीं करता तो उसे, ठीक है, तब उसे क्या किया जाता है? अगर राज्यसभा या लोकसभा उसे पुनः पारित करके यदि राष्ट्रपति के पास भेजती है, अनुच्छेद 61 के तहत, इसलिए इस
प्रश्न का सबसे सही विकल्प जो है वो राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद, माने जब तक किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी की बफरिंग हो रही है तो भैया अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करें, किसी में अगर साफ नहीं चल रहा है तो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी, क्योंकि जिसको पढ़ना हो पढ़े, आप अपने फायदे के लिए पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ेंगे सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, पैसे आपको मिलेंगे, आपके माँ बाप को मिलेंगे, न मुझे फायदा होगा न किसी साथी मित्र को। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए, अगर आपको पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़िए, नहीं पढ़ना हो तो जाइए व्हाट्सएप चलाइए, फेसबुक चलाइए, चैटिंग करिए, ठीक है, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की माता पिता को उम्मीदें हैं कि उनका बेटा उनकी बेटी सरकारी नौकरी करेगी, उनके इज्जत सम्मान को ऊंचाई पर ले जाएगा, तो उनकी उम्मीदों को पानी मत करिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई सवाल हो लास्ट में पूछिएगा, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को जवाब आपको देना है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं और प्रायः हम लोग गलती करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप ऐसे प्रश्न में गलती ना करें। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताइएगा, बताइए, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, तो कुछ विधेयक ऐसे हैं जैसे धन विधेयक और संविधान संशोधन, माने इन ये अनुच्छेद 110 में है, ये अनुच्छेद 110 में है, ये आपका अनुच्छेद 368 में है, ये दोनों ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, दोनों को, पहली बात दोनों के बारे में एक बात जान लीजिएगा, ये दोनों को राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी बात, इन दोनों में अगर विशिष्ट बहुमत से पारित होने की बात आएगी तो किसे विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाएगा, तो हमने देखा धन विधेयक में जो अनुच्छेद 109 था, अनुच्छेद 109 था, अब इसको ऊपर हमने इसके बारे में व्याख्या किया था, उसमें हमने देखा राज्यसभा 14 दिन तक के लिए केवल इस विधेयक को रोक सकती है, केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन संविधान संशोधन में अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना जरूरी है। यहाँ पे संशोधन भी 3 प्रकार का होता है, आगे जब आप लोग ऑनलाइन क्लास जुड़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी होगा, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि दोनों सदनों के बीच असहमति यदि होती है तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन, माने अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। किसमें, संविधान संशोधन विधेयक में, यदि राज्यसभा और लोकसभा के बीच या लोकसभा राज्यसभा के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यहाँ पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। ठीक है, समझ में आ गया, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो टॉपिक से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, बाहर के कोई सवाल नहीं, लास्ट में लाइव चल रहा है, नहीं लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड वीडियो है, कुछ भी है, आपको सिलेक्शन से मतलब है ना। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको अनुच्छेद से कंफ्यूजन है, सुजीत जी एक वीडियो को कई बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, रटने के लिए मत पढ़िए, इतनी बार पढ़िए आपके दिमाग पर छप जाए, जैसे आपको मेरा नाम याद है। ठीक, चलिए, निम्न में कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, सामान्य बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, संविधान संशोधन बिल। अभी मैंने ऊपर इसकी बात की थी, आपको पता है जो कानून भी होते हैं किस तरह से बनते हैं, एक सामान्य विधेयक होता है, एक सरकारी विधेयक होता है, इसमें भी कई प्रकार के विधेयक होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे अन्य तथ्यों को भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में इससे ज़्यादा, इससे बाहर नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा संविधान संशोधन बिल, जो संविधान के आर्टिकल 368 में है, संविधान की 368 में, ये अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप मेरी क्लास प्रतिदिन ले रहे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपका गलत नहीं होगा, तो जल्दी से फटाफट सभी साथी कमेंट करके बताएं। जितने लोग 9:30 बजे ईमानदारी से मोबाइल में अलार्म लगा के लाइव आ जाते हैं, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश से सभी साथी जुड़ जाएंगे, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, मोबाइल में अलार्म लगा लेंगे, जो वास्तव में जिनके अंदर कुछ जीवन में करने की उपेक्षा है, अपेक्षा है, जिनके अंदर सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने की ख्वाब है, वही लोग लाइव हैं, बाकी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्योंकि टाइम पास करने के लिए नहीं है। देखिए, सबसे पहले किस विधेयक को नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, मेरी प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, आपको प्रयास करिएगा। जैसे राज्य को आपात नियमों के अधीन लाने वाला विधेयक, यहां पे कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो हमने ऊपर आपको बताया था कि जो धन विधेयक होता है संविधान का, अनुच्छेद ऊपर हमने बताया था, अनुच्छेद 109 ये कहता है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा उस विधेयक को या तो, ठीक है, या तो वह उसे सिफारिश कर सकती है या सुझाव दे सकती है, लेकिन अगर 14 दिन तक वह कुछ नहीं करती तो यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने धन विधेयक को पारित कर दिया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। जिन साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया था उन सभी के जवाब क्या थे, जो गलत थे वही सही होंगे, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करें सभी साथी फटाफट कमेंट करें। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग गलत या सही जवाब जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप गलत या सही प्रश्न का जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं आप लगातार आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं और सिलेक्शन के करीब पहुंचते हैं। बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके, जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। बताइए सभी फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या होगा, मतभेद को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती? जी नहीं। धन विधेयक में अनुच्छेद 108 के तहत या संविधान संशोधन में यह नहीं बुलाया जा सकता। राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन बिल बिना लोकसभा के उस विधेयक को जारी रख सकती है। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा में उस विधेयक को जारी रख सकती है। विधेयक अमान्य होगा, गलत मान्य होगा। लोकसभा को पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को राज्यसभा द्वारा भेजना होगा? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पुनर्विचार करने के लिए केवल राष्ट्रपति भेज सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा। बी कैसे होगा कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 109 में इसका भी वर्णन है, 109 में इसका वर्णन है। देखिए कि भारत के संविधान अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा द्वारा किसी धन विधेयक को आंशिक रूप से संशोधित किए जाने पर या अस्वीकार कर देने पर धन विधेयक का पूरा अधिकार लोकसभा के पास रहता है, या तो उसे संशोधित करे या पहले रखे। मान यदि राज्यसभा कोई भी धन विधेयक पर कुछ भी कहती है तो लोकसभा माने या ना माने सारा दामोदार लोकसभा के ऊपर होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही और उपयुक्त विकल्प होगा वह 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो, इस गति जो गतिरोध है इसको कैसे सुलझाया जा सकता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद से आपके लिए निःशुल्क संचालित की जा रही है, जो हमारे फेसबुक पे ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव 9:30 बजे चलती है। और मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरे ईमानदारी के साथ क्लास पढ़िएगा। और इस बात पे अगर भरोसा हो, जिस तरह आप डॉक्टर पे भरोसा करके दवा खाते हैं उस तरह भरोसा करके आप क्लास पढ़िएगा, यकीनन आप सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। देखिए, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो
गतिरोध हो तो कैसे सुलझाया जाता है। तो याद रखिएगा ये सारे काम दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके दौरान, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कहता है, यदि कभी भी किसी भी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाता है तो उस दशा में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। अभी तक ऐसा 3 बार हो चुका है। कब कब, अनुप जी ने बताया है, अभी तक ये 3 बार ऐसा हो चुका है। कब कब, 1961 में, दूसरा 1978 में, फिर तीसरा 2002 में, 3 बार अभी तक ऐसा हुआ है। इसमें राष्ट्रपति इस बैठक को बुलाता है लेकिन अध्यक्षता करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको भरोसा है कि आप इस वीडियो से सरकारी शिक्षक बनने में मदद होगी तभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ए होगा। याद रखिएगा बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, ठीक है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि मेरा आपको यार सिलेक्शन देना है यार, अपने माँ बाप का नाम ऊपर करना है। पता है आप लोग के थोड़ी सी मेहनत से आपके माता पिता का कितना बड़ा नाम होगा, कितना, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत करना है बस आपको। और मैं जानता हूँ आप मेहनत करने से कभी नहीं चूकेंगे। 9:30 बजे स्वयं लाइव आएंगे और अपने सभी साथी मित्रों को भी लाइव लेकर आएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। देखिए स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं, कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। सदन में बहुमत या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, जी नहीं, इसके द्वारा सरकार को हटाया, सरकार को भंग किया जाता है। कुल सदस्यों का आदेश, अधिक सदस्यों को मत प्रस्तावित करके, जी नहीं, ये किसी विधेयक और कानून के लिए होता है। फिर सदन के कुल सदस्यों कम से कम 2/3 मत से प्रस्ताव पारित, जी नहीं, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव पारित होने पर। देखिए संविधान के अनुच्छेद 94 में, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 94 में लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में विचार किया जाता है तो अध्यक्ष सदन की न तो अध्यक्षता करेगा, न ही बराबर मत होने की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा। याद रखिएगा, जब जैसे मान लीजिए ये हमारी लोकसभा है और ये लोकसभा का अध्यक्ष है, अगर इस लोकसभा अध्यक्ष को हटाने जाने के लिए इसके बहुमत पारित हो रहा है तो इस समय यह अध्यक्षता नहीं करेगा और न ही बराबर होने की दशा में यह अपने निर्णायक मत दे सकता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आजकल नए नए तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ट्रेंडिंग प्रश्न आ रहे हैं, हो सकता है आपसे गलतियां हो जाए, हो सकता है ऐसे प्रश्नों से आपको समस्या आ जाए, तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाए परीक्षा हाल में आपको गलती नहीं करना है। हम आपसे एक नहीं 1000 बार कहेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, क्योंकि परीक्षा का ट्रेंड बदल रहा है, अब पुराने प्रश्न नहीं आते, अब इस तरह से नए नए तरह के प्रश्न आते हैं, आपको उलझाते हैं और हम परीक्षा हाल के बाद में आते हैं, कहते हैं सर मेरा 1 नंबर से रुक गया, मेरा 2 नंबर से रुक गया, सर मेरा 0.3 से रुक गया। अब ये आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार गलती हो जाए परीक्षा हाल में गलती नहीं होना चाहिए। आज का टॉपिक संसद है, इसके बाद अगली टॉपिक कल नहीं होगी, क्योंकि संसद आज खत्म कर देंगे और संसद खत्म होने के बाद हम अगले टॉपिक नया उठाएंगे और हम लोग नए तरीके से पढ़ेंगे क्या चीजें, जो भारत की न्यायपालिका है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, कल हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच है, किसके निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत ही सरल सवाल है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा घुमावदार है, ठीक है, थोड़ा सा पूछने का तरीका जो है वो क्या है, घुमावदार है, ठीक। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। हिना जी बी नहीं था, किस निकाय, देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष होता है इसे हम पदेन सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं, पदेन सभापति कहते हैं। ये पता है कौन होता है, ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो यह प्रश्न बहुत ही यूनिक है, माने राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता, उसमें जो व्यक्ति होता है
वह उसका कुछ भी नहीं होता फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। इसलिए बात को आप लोग जानते रहिएगा, इस बात को आप लोग समझते रहिएगा, इस परीक्षा में आए अगर ऐसे प्रश्न तो कभी गलती मत करिएगा। मेरे प्यारे अध्यापक अध्यापिकाओं, आप देश के वह रीढ़ की हड्डी बनने की तैयारी कर रहे हो जिससे समूचा देश रुका हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बस आप लोग साथ बनाए रहिएगा, यकीनन हम आपको सफलता के नजदीक लेकर जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, क्योंकि हम वही सवाल पढ़ते हैं, वही प्रश्न पढ़ते हैं जो आपकी भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ, आपके लिए गुड न्यूज है, आज जल्द ही करंट अफेयर की क्लास शुरू होने जा रही है और वह हफ्ते में 2 दिन चलेगी। और हम लोग प्रयास ये करेंगे उस हफ्ते के 2 दिन की क्लास, 1-1 घंटे की क्लास होगी और सारे तथ्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को जोड़ सकते हैं, साथी मित्र तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाहर आपकी परीक्षा में करंट अफेयर नहीं आएगा। अगर इस बात के भरोसा वारंट हो तो आप ही लर्निंग विद दुर्गेश पर आगे जुड़े रहिएगा विश्वास के साथ। चलिए, लोकसभा भंग करने की जो शक्ति है वो कहाँ है? देखिए, यह आप लोगों ने सही बताया है, अनुच्छेद 85 में। कहाँ पे? अनुच्छेद 85 में क्या क्या दिया है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा सत्र आहूत करना, ठीक, सत्रावसान माने ये भंग करना, सत्रावसान करना, भंग करना, विघटित करना, ठीक है, भंग करना या विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन यह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग करता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। किसके? अनुच्छेद 85 के तहत। क्या सबको समझ में आ गया? बताइए सभी साथी, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी पर कमेंट करके बताइए। देखिए, मेरा उद्देश्य क्या है? आपको सिलेक्शन तक लेकर चलना, ठीक, और उसमें आपको मेहनत तो करना होगा ना, इतनी तो कर सकते हैं ना कि नहीं करेंगे इतना भी? यार इतना खाली कर दीजिए बस। देखिए, अलग अलग तरह से अलग अलग लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग 84 बता रहे हैं। देखिए, अनुच्छेद 84 जो है वो आपका गलत है, ठीक है, कुछ लोग इसका अनुच्छेद 84 बता रहे हैं। देखिए, अनुच्छेद 84 जो है आपका, ये संसद की सदस्यता की अर्हता है। ये क्या है? सदस्य की अर्हता है, अर्हता है, ठीक है, इसलिए ये 84 नहीं होगा। कुछ लोग बार बार 84 कह रहे हैं, तो भैया 84 इसका उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये होगा अनुच्छेद 85। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। इससे बाहर आपके परीक्षा प्रश्न अगर आ जाए तो भैया वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कभी चैनल पर लौट के मत आइएगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। नए राज्यों के अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके लिए जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग अनुच्छेद 2 और 3 में डिफरेंस पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों अनुच्छेद है। जिसको ये अनुच्छेद समझ में आ जाएगा, यकीनन आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बताइए, नए राज्यों के निर्माण तथा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का जो अधिकार होता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, जितने भी साथी ऐसे हैं जो डेली क्लास पढ़ना चाहते हैं, वे सभी पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश सर सर्च करेंगे और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। 9:30 बजे के अलावा अन्य भी यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, शिक्षक भर्ती सभी क्लासें चलती हैं। आपके लिए करंट अफेयर 1 से 2 दिन में ऐलान हो जाएगा, हफ्ते में 2 दिन करंट अफेयर स्पेशल क्लास चलेगी, जिसका एकमात्र उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। तो बस आप लोग को 10 साथी करना है और जोड़कर रखना है, अगर आप संतुष्ट हो तब। देखिए, अगर हम राज्यों की बात करें, अगर हम नए राज्यों की बात करें, तो यह हमारे भारत के संसद को है। किसको है? संसद को है। और यह अनुच्छेद 3 में है। किसमें है? अनुच्छेद 3 में। सीमा परिवर्तित करने का अधिकार,
नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। जैसे अगर हम ये पूछ लें कि जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर संघ शासित क्षेत्र बनाया गया किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद आपका 3 होगा, ये क्या होगा, अनुच्छेद 3। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाया गया किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद क्या होगा, 3 होगा। लेकिन सिक्किम अनुच्छेद 2 है, क्योंकि सिक्किम कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं, उसे भारत में जोड़ा गया, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या यहां पर बताइए कमेंट करके। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सरकार का वर्गीकरण संसद तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है कैसे, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करेंगे, चाहे आप इसका उत्तर गलत दें चाहे इसका उत्तर सही दें, सभी साथी इसका जवाब जरूर देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जरूर जवाब देंगे। चलिए आइए हम यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बता दें। देखिए कठोर तथा लचीली संविधान के आधार पर, लिखित तो अलिखित संविधान का, ये न ये होगा न ये होगा, राजनेता नौकर सहायक जी नहीं, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर, ठीक है। जैसे अभी प्रियंका जी ने कहा कि ये मत कहिए सर कि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दें। प्रियंका जी ने भी मैंने जब ये कहा तो उनको उन्होंने कहा कि जैसे ये हमारा सिक्किम है, देखिए मैंने काम चलो भारत बना दिया, बहुत अच्छा तो नहीं है ये, काम चलो भारत आपका है। देखिए जो ये सिक्किम आपका जन्म संग्रह के द्वारा, ठीक है, कब, 1975 में 35वें 36वें संविधान संशोधन के बाद सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो सिक्किम आप देख रहे हैं यह इसके पहले जो मैंने सवाल बताया वहाँ पे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। ए कैसे होगा ये देखते हैं। सरकार का संसदीय अध्यक्षीय रूप में जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हुआ है वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर किया जाता है। सरकार में विधायिका तथा कार्यपालिका आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अध्यक्षीय जो होती है जहां राष्ट्रपति प्रणाली होती है वहां विधायिका तथा कार्यपालिका के अलग अलग सिद्धांत आधारित होते हैं, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। सिक्किम स्वतंत्र राज्य था। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका जी ये स्वतंत्र था, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर था एक स्वतंत्र रियासत थी, जैसे भूटान भी है एक तरह स्वतंत्र रियासत थी, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्णायक मत क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें, निर्णायक मत क्या है, यहां पर निर्णायक मत का क्या मतलब, बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये लोकसभा हो गया, या राज्यसभा हो गया, यहाँ पे जैसे विधानसभा हो गया, चाहे यहाँ विधान परिषद हो गया, इनके बारे में थोड़ी बातें हम लोग जानते हैं। देखिए निर्णायक मत क्या होता है, जब कभी भी चाहे संसद की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, जब मत आपस में बराबर होता है, इनके अध्यक्ष और इनके अध्यक्ष जिसे हम पदेन सभापति कहते हैं, इन दोनों को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। किसी भी मामले में ये मतदान में भाग नहीं लेते, लेकिन यदि अगर दोनों मत आपस में बराबर हैं तो उस दशा में ये एक दूसरे में क्या करते हैं, निर्णायक मत की भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब दोनों पक्ष
शाबद्ध हो तो ये निर्णायक मत की भूमिका निभाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो तो लोकसभा अध्यक्ष हो, ठीक है, या तो जब टाई होता है तब, या तो राज्यसभा में राज्यसभा का पदेन सभापति, तो दोनों में ये कंडीशन होती है। इसलिए यहाँ पे कभी भविष्य में गलती मत करिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको भविष्य में सरकारी नौकरी करनी है। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रहिएगा, हम आपको आपके नौकरी तक पहुंचाने का पूरा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) में इसका वर्णन है। हमारी जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करके जवाब देंगे। समझ में आया आप लोग को? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। हाँ शबनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ईश्वर करे कि आप अगली बार एक सहायक अध्यापिका के रूप में हो और लगातार ऊंचाइयों पर आगे बढ़ते रहें। तो याद रखिएगा, वह लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण और कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद नहीं है, और जब मंत्रिपरिषद नहीं है तो कोई सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो कभी विघटित ही नहीं हो सकती, क्योंकि संसद से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 20 का सही जवाब होगा। माने जिन साथियों ने इस प्रश्न का जवाब भी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, माने बी वालों का राइट आंसर है, बी वालों का सही जवाब है। आप समझिए कि लोकसभा नहीं है तो मंत्रिपरिषद नहीं रहेगी। अब बताइए, प्रधानमंत्री ने अगर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। आप लोगों को पता ही नहीं है बात, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है? हाँ, जिसका सही था उसको बधाई, लेकिन जिसका गलत था वो भी भविष्य में गलती ना करे। बस अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। भारत में कार्यकारिणी, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, गलत या सही सभी लोग जवाब देंगे। और जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, सभी नए साथी टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग पे दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। बाकी सभी फ्री क्लास और आपको नोट्स यहाँ पे फ्री मिलता रहेगा। फेसबुक पेज इलर्निंग पे दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब इलर्निंग पे दुर्गेश। बताइए कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, भारत में जो कार्यकारिणी होती है, संघी हो या प्रादेशिक हो, ये प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो, अगर ये संघ की बात करें, संघ माने केंद्र की, चाहे ये राज्य की बात करें, अगर केंद्रीय है तो लोकसभा के प्रति, और अगर कार्यकारिणी है तो राज्यसभा के प्रति। माने यहां पे ऐसा दिया नहीं है, इसलिए ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति? विधानमंडल। विधानमंडल है अगर राज्य की बात कर रहा है, अगर केंद्र की बात करता तो लोकसभा हो जाता। ठीक, अगर केंद्र की बात करता तो लोकसभा, विधानमंडल की बात करता तो विधानमंडल होता। क्लियर? एनी डाउट किसी को? कि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, आपकी पूरी थियोरी तैयार होगी, और वही थियोरी जो परीक्षा में पूछा जाता है। पता है, अगर इतना सब आपने पढ़ लिया संसद में ना, जितना हम आपको क्लास में पढ़ाया ना, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। अगर आपको भरोसा है तो क्लास पढ़िएगा, जितना मैंने राष्ट्रपति में पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आएगा। ये 50 नंबर की सीरीज है शिक्षक भर्ती परीक्षा की, और 2 दिन हफ्ते में अब करंट भी चलने जा रहा है, तो आपका करंट हो जाएगा। फिर अभी हिंदी सीरीज शुरू होने जा रही है, गणित चल रही है, तो इसी तरह की क्लासेज लगातार चलती रहेंगी, और हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केवल प्रश्न के शब्द बदल रहे हैं, और सोचिए आजकल नया ट्रेंड चला है। अगला प्रश्न आपका, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। या भारत का जो व्यय, या भारत का कानून कौन बनाता है? ठीक है,
सही सही फटाफट कमेंट करके बताइए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, गलत है सही सभी जवाब दिया करिए। ये आपकी जीवन की कक्षा है, यहाँ पे गलती हो जाए, परीक्षा हाल में गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रश्न परीक्षा हाल में आता तब क्या करते आप? तो ये मानिए यही पे जितनी गलती करना कर लीजिए, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, व्यय पर नियंत्रण लोग बता रहे केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक, तो ये आपका गलत है। इसका उत्तर होगा संसद। क्या होगा? संसद। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के व्यय पर नियंत्रण करने हेतु संसद को अधिकार दिया गया है, संसद को शक्ति दी गई है, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प ए होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया था उन सभी का जवाब क्या है? पूरी तरह से सही है, ए वाले राइट आंसर हैं। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ऐसे आप लोग बने रहिएगा, अभी तो शुरुआत, अभी बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना है, बस लगे रहिएगा। अपना यहां गलत हो जाए डरिए मत, परीक्षा में बस गलत ना होने पाए, यही उम्मीद के साथ आपको पढ़ना है, और हम इसी उम्मीद के साथ आपको आगे लेकर चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री रह सकता है? माने कोई भी व्यक्ति चाहे अगर वो चुनाव नहीं जीतता तो कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? जैसे आपने देखा होगा कुछ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी वो विधानसभा से विधायक नहीं थे, वो लोकसभा के सदस्य थे, ठीक, लेकिन वो मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो कितने दिन के अंदर उन्हें विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना अनिवार्य था? बताइए, ये उदाहरण है कुछ दिन पहले का आपका। अगर चुनाव कोई हार जाता है उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, तो 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन से सदस्यता लेना अनिवार्य, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, 6 माह के अंदर। समझ में आया आप लोग को? ये कहां दिया गया है? ये भी अनुच्छेद 75 उपखंड 5 में दिया गया है, ठीक है? माने 6 माह तक मंत्री के रूप में बनारस से, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, लेकिन 6 माह में ही, 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की निर्वाचित होना अनिवार्य है। सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर ये क्लास नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे सिलेक्शन मिलेगा तभी क्लास में बने रहिएगा, वरना अपना कैरियर दांव पे मत लगाइएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं होता? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, मैं चाहूंगा आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। आज मुझे देखना है कि कौन ऐसा है जो इस प्रश्न का एकदम सही और राइट जवाब देगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। यार इतना आसान सा प्रश्न है फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कहां है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। एक प्रश्न आपका यह तैयार हो गया, 324 में है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ठीक, ये कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। क्या नियुक्त करता है राज्यपाल? क्या करता है? मुख्यमंत्री को, सीएम को नियुक्त करने का काम करता है। जो मन ये किसमें दिया गया है, ये अनुच्छेद 164 में था, उपखंड मुझे इसका याद नहीं, शायद एक में था, क्या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 164 एक में था। माने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता, चाहे मुख्यमंत्री होता चाहे पे अगर या प्रधानमंत्री अगर होता, लेकिन इनका निर्वाचन चुनाव आयोग से इनका कोई देना नहीं है, चाहे चुनाव जीते रहे या चुनाव हारे रहे। मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता, जो भी बहुमत दल का नेता हो अगर चुनाव हार भी गया हो तब उसे 75(5) के तहत 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य होता है।
चाहे वो चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे, कोई मतलब नहीं है, केवल बहुमत दल का नेता होना चाहिए। जैसे आप अगर देखेंगे तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो चुनाव नहीं जीतते थे, वो राज्यसभा से चुन कर आते थे और प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते थे। वो बहुमत दल के लिए नेता होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आप लोग को? अगर आ रहा है तो यकीनन आप प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव आ जाया करिए, ये आपकी कैरियर है। आपको बिना कैरियर के क्या सम्मान है आपका? आपको शिक्षक बनना है, आपको गवर्नमेंट शिक्षक बनना है, क्या सवाल है बताइए? मैंने सवाल नहीं देखा। मुख्यमंत्री का भी चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, बहुमत दल का नेता होता, मैंने बताया तो ठीक है। प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देखकर, क्योंकि आप लोग को सिलेक्शन लेना है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो लोग लाइव देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिए। देखिए यहां पर अगर इस प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद के, देखिए सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी मंत्री सभी केंद्रीय राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासक होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा, डी इसका सही जवाब होगा। माने जितने लोगों ने, जो ये संविधानोत्तर संस्था है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राज्य के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य इनके पदेन सदस्य होते हैं, या योजना आयोग द्वारा निर्मित योजनाओं को अंतिम रूप से पारित करती थी, लेकिन अब योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ले लिया है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता, याद रखिएगा, सदस्य कौन नहीं होता? राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता, यह बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति भी रहे तो नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यहां से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पूजा जी को बताइए सब लोग, प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? इसके पहले लेक्चर में मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया है पूजा जी, उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा, तब न समझ में तब आके पूछेगा, ठीक है। आप लोग पूरी वीडियो क्लास देखिए, पूरा विविध पढ़ना है आपको, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न आपके लिए, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताइए, कौन इसमें राष्ट्रपति विकास परिषद का सदस्य नहीं है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए अन्य किसी भी जानकारी के लिए, अगर आपको टेट सी टेट सुपर टेट शिक्षक भर्ती कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर नोट्स क्लास सभी की जानकारी ले सकते हैं। ये ऑनलाइन, ये जौनपुर जनपद के सिराजहन से निःशुल्क क्लास चलती है, प्रतिदिन रात 9:30 बजे। इसके अलावा भी और सारी क्लासेस चलती हैं। मेरा उद्देश्य देश हित में राष्ट्रहित में निःशुल्क शिक्षा देना है, ताकि आप भारत के एक सभ्य नागरिक बन सके। तो इसलिए इस प्रश्न को आपको जवाब देना है। ये डेली क्लास 9:30 बजे चलती है। क्या सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं? अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग सकते हैं। बाकी सभी क्लास फेसबुक पे हैं, तो फेसबुक इंस्टा ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग पे दुर्गेश सर, मेरी भी आईडी है दुर्गेश सर, इंस्टाग्राम पे है और फेसबुक पेज है बेसिक लर्निंग पे दुर्गेश के नाम से, मेरा भी खुद का चैनल है। देखिए कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य नहीं होता? भारत का राष्ट्रपति। देखिए इसके बारे में थोड़ी बातें जान लें, राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में योजना आयोग के समिति के रूप में थी। ये राज्य की योजनाओं को निर्माण करने के लिए इसका किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परिषद की जो साधारण बैठक वर्ष में 2 बार होती है, याद रखिएगा, इसकी जो बैठक होती है 1 साल में 2 बार होती है। डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? संघीय सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। कुछ लोग को अगर भाषा में समस्या है तो समझ लेगा, संघीय सरकार को हम केंद्र सरकार कहते हैं, ठीक है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप नोट्स बना रहे हैं सभी सब, फटाफट कमेंट करके बताइए जो लाइव देख रहे वीडियो को, संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? ये बहुत कम खर्चीला होता है, गलत। ये बहुदल व्यवस्था पर अंकुश लगाता है, गलत। ये केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करता है, गलत। ये क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को भी एकीकृत करता है, माने जो संघीय सरकार में राज्य के जो क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ एक संघ होता है जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। आप जानते हैं क्या उत्तर प्रदेश अलग हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी भी है। संघीय सरकार क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता की है, वे उत्तरदायी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई राज्य कह देगा हम भारत से अलग जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 20 का, देखिए नए नए प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं, ट्रेंडिंग प्रश्न है, सरल प्रश्न हम लेकर नहीं आते, ठीक है, ताकि ऐसे प्रश्न पढ़ें और परीक्षा हाल में आए, क्योंकि आप यार सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो सारे नोट्स बना रहा है, वो मेरे नंबर पर भेज देगा, मेरा व्यक्तिगत नंबर अलग है, जो लोग भी सारे नोट्स बना रहे हैं वो मेरे नंबर पर भेज देंगे, मैं अपना व्यक्तिगत नंबर शेयर कर रहा हूँ, उस पर कॉल मत करिएगा, केवल टेक्स्ट मैसेज डालिएगा या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर पर जो नोट्स बढ़िया बना रहे हो मुझे भेज देंगे, जिसका सबसे बेहतर नोट्स होगा मैं उसे अपने फेसबुक पेज पर भी डाल दूंगा, ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है जिस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं, क्योंकि सुबह उठने के बाद मैं लगातार क्लास में रहता हूँ, सुबह 7 बजे से उठने के बाद 8 से विद्यालय, विद्यालय से आने के बाद फिर विद्यालय में मेहनत से पढ़ाना, फिर वहाँ से आने के बाद फिर आपके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार कराना, फिर उसको तैयार करना, फिर लगातार आपके लिए निःशुल्क क्लासेज होती है, रात के 12 बजे तक मैं खाली हो पाता हूँ, उस दौरान मैं आपके कॉल अटेंड करूँगा तो मैं बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप लोग प्रयास करिएगा कि मुझे व्यक्तिगत मैसेज करिएगा, कॉल कभी मत करिएगा, ठीक है, ये मेरा नंबर है व्यक्तिगत। देखिए संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? देखिए इसके बारे में राष्ट्रपति में हमने थोड़ा सा इसका वर्णन किया था, तो संसदीय में जो राष्ट्रपति होता है ये नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दोनों बातें स्पष्ट रूप से हैं, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, यहां पे दोनों बातें मैंने स्पष्ट कर दिया, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक, लेकिन संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का या संवैधानिक, संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति ही होता है लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया सबको, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कोई डाउट किसी को नहीं है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय कार्यप्रणाली कहाँ से ली गई? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, देखिए भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अगर संसदीय प्रणाली की हम बात करते हैं तो ये ब्रिटेन से ली गई है, कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, फ्रांस से क्या ली गई कमेंट करके बताइएगा, अमेरिका से क्या ली गई कमेंट करके बताइएगा, रूस से क्या ली गई कमेंट करके बताइएगा, हाल ही में लिया गया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा जो लोग इस वीडियो को लाइव देखा है, क्लियर हुआ कि नहीं, अभी हाल ही में रूस से लिया गया जो भारतीय मूल संरचना नहीं था, ठीक, चलिए इसका उत्तर आपको पता हो गया। अगला प्रश्न, निम्न से किस संविधान से भारतीय कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था तथा कानून निर्माण की विधि की प्रेरणा मिली है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए, जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी साथी बताइए, जी हाँ अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया, सही बात, ठीक, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे मित्र बहने भाई
अभ्यर्थी, शिक्षक, शिष्य सभी अपने पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। कुछ चमन चूते टाइप के लोग आएंगे, फालतू की कमेंट करेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे, ऐसे लोगों को इग्नोर करिएगा आप लोग, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं और अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग यकीनन बहुत अच्छे जगह जाएंगे और बाकी लोग का जो काम है वो ऐसे ही करते रह जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ब्रिटेन के संविधान से, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका लगभग 75% है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 75% हुबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ लिया गया है। ब्रिटेन के संसदीय सरकार की व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सभी वहां से लिया है। ठीक, कनाडा से संघ की व्यवस्था ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है, संघ की व्यवस्था, संघी व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अगला, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती, एकदम यूनिक, एकदम हलवा प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। बताइए सभी साथी, कोई भी अपना पढ़े, कौन मैड है, कौन क्या है, सर आप अपना पढ़ते रहे सभी लोग। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती, पता है मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं भी लाइव तब भी आता हूं, मेरा सर में दर्द हो, मेरी तबीयत खराब हो, मेरे सामने खाना रखा हो, लेकिन मुझे 9:30 बजे आपके लिए लाइव आना है तो लाइव आना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे भरोसे आप सभी रुके हुए हैं, आप सभी इंतजार करते हैं 9:30 बजे का दुर्गेश सर के ई लर्निंग में, दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव क्लास होगी जिसको पढ़ने के बाद आप सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बन सकते हैं। इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर, कितने लोग से झगड़ा हो गया है, मम्मी से, पापा से, बहन से, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर आपकी क्लास में आता हूँ। सारे फ्रेंड नाराज हैं, कहीं निमंत्रण में मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे लिए आपकी क्लास महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि इतनी ईमानदारी निष्ठा के साथ आप भी पढ़िएगा जितनी ईमानदारी के साथ मैं आपके लिए प्रतिदिन आता हूँ। 1-2 मिनट लेट हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिएगा। कहीं जाना होता है तो मैं पहले आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है ताकि आपको 9:30 बजे कभी परेशानी ना हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, आपका उद्देश्य इस चैनल को लोगों तक पहुंचाना है। ठीक, चलिए, संसद किसके बिना नहीं काम कर सकती, वो है लोकसभा अध्यक्ष के बिना। बिना लोकसभा अध्यक्ष के संसद नहीं काम करेगी, मैंने ये कर सकती है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बिना ये भी होगा, उपराष्ट्रपति के बिना, लेकिन संसद के सदस्य के बिना। अगर संसद का कोई सदस्य ही ना हो तो भैया लोकसभा कैसे चलेगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तब भी काम हो जाएगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तब भी, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तब भी संसद चल जाएगा, लेकिन अगर संसद के सदस्य ही नहीं होंगे तब कहां से चलेगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का सही जवाब होगा, डी का राइट। समझ में आ गया आप लोग को, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। संसद बिना संसद सदस्य काम कर ही नहीं सकती, हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा ऐसा कार्य है जो राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, गलत या सही जवाब जरूर दीजिएगा। मैं इतना विश्वास, इतना भरोसा करता हूं, जितने लोग इस क्लास को ईमानदारी से पढ़ते हैं उनको सिलेक्शन से कोई माइक लाल रोक नहीं सकता, चाहे जो भी हो। ठीक, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य आपका सिलेक्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ प्रियंका जी ने एकदम सही कहा, सदस्य नहीं होंगे तो दुर्गेश सर कैसे पढ़ाएंगे। कौन सा कार्य, तो यहाँ पे देखिएगा उपराष्ट्रपति का चयन, तो उपराष्ट्रपति का चयन धन विधेयक पर रोक, देखिए उपराष्ट्रपति का चयन दोनों करते हैं, लोकसभा कर सकते हैं,
लेकिन राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 तथा यहां पे ये होगा सही, लेकिन इसके अलावा अनुच्छेद 312 नए अखिल भारतीय की स्थापना करना, कल मैंने इसको पढ़ाया था। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा, माने राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, यह केवल केवल काम राज्यसभा कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? किसी कोई डाउट कोई समस्या तो पूछ सकता है। ठीक है, बताइए। बताइए फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं गलत से समझ में आया कि नहीं आपको, अगर आ गया तो भैया आगे बढ़े। चलिए 312 भी है याद रखिएगा, ये क्या है कमेंट करके बताइए, कल हमने पढ़ाया था। अगला प्रश्न है आपका, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथककरण का संविधान किस भाग से लिया गया है और किस संविधान के अनुच्छेद में लिया गया है। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए अन्य किसी भी क्लास नोट संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है और इन्हीं की वजह से मैं डेली फ्री क्लासेस ले पाता हूँ। आप लोग का जो सहयोग होता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्लासेस डेली आपकी मेरी तरफ से निःशुल्क मिलती है, एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं आपको यहाँ पे फ्री पढ़ाता हूँ। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और आप लोग डेली अन्य सभी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली कर दुर्गेश सर सर्च करेंगे या ई लर्निंग पे दुर्गेश पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ेंगे जैसे, या फेसबुक पेज इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग पे दुर्गेश है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, पास मिल जाएगा, सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये जो विविध जीएस की सीरीज आपकी चलती है शिक्षक भर्ती स्पेशल की 9:30 बजे चलती है, आगे आपके लिए करंट अफेयर विशेष क्लास चलेगी वो आपको 9:30 बजे से होगी और वहाँ लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आप मेरी व्यक्तिगत आईडी इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर को भी सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज दुर्गेश अशोक जायसवाल पे भी जुड़ सकते हैं जो मेरा व्यक्तिगत है। साथ ही साथ आप हमारा बेसिक लर्निंग विद दुर्गेश मेरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद दुर्गेश सर चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा अगर आपके अंतरात्मा के है तो। ये आज का आखिरी सवाल है, आज क्लास यहाँ पे खत्म होगी, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले न्यायपालिका के साथ। तो कल की क्लास जो होगी भारत की न्यायपालिका, एक वीडियो में हम लोग को न्यायपालिका खत्म करना है, तो आपकी जिम्मेवारी है आपकी जिम्मेदारी है क्लास में जुड़े रहना। देखिए ये संविधान के भाग चार में, ये भारत के भारतीय संविधान के भाग चार नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 50 में दिया गया है। क्या दिया गया है? 50 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 50 में। किसमें दिया गया है? 50 में। किसमें? नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण सिद्धांत संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 50 में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह शीर्ष का राइट आंसर होगा, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, मेरा व्यक्तिगत कोई सवाल पूछने के लिए मेरे व्यक्तिगत आईडी पे कमेंट करिएगा। ठीक है, यहां पे कॉमनली प्रश्न पूछेगा, मैं जौनपुर जनपद में हूं और आप सबके आशीर्वाद की वजह से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हमें जौनपुर में ही विद्यालय मिला है गृह जनपद। आप लोग वीडियो में जुड़े रहिएगा, प्रतिदिन 10 लोग को क्लास में जुड़िए जो आपके साथी मित्र तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, यूपीटेट पढ़ रहे हैं, सीटेट केवीएस डीएसएसबी जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना जीएस के आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है भैया, 1.5 घंटे क्लास हो जाती, मैं भी इंसान हूँ, गला सूख जाता है, पता है आंखें दर्द होने लगती है लैपटॉप के सामने बैठे बैठे, लेकिन फिर एक ही उद्देश्य है, आप जिस दिन सफल हो जाएंगे मेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा, चाहे मेरे आंख में दिक्कत हो, मेरे सर में दिक्कत हो, हमारे गले में दिक्कत हो जाए, बस आपका सफलता इन सभी का इलाज है। और मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप चयनित होकर मुझे मैसेज करेंगे अपने नियुक्ति पत्र के साथ, बस इतना ही मुझे आपके लिए काफ़ी है। और हजारों लोग हमारे पढ़ाए
69,000 में, 31,000 में सेलेक्ट हुए, 37,000 में हुए। इस प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहाँ पे मेरे पढ़ाए कोई ना कोई बंदा अध्यापक अध्यापिका न हो, जो दुर्गेश जायसवाल को न जानता हो। ये मेरे लिए, आपके लिए बड़ी सोचने और एक गर्व करने वाली बात है। लोग भले कह सकते हैं घमंड की भाव है, जी नहीं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं चाहता हूँ अब हर एक गांव बने कि हर गांव में जो भी शिक्षक बने वो दुर्गेश सर को जरूर जाने। अभी तक तो जिले में लोग जानते हैं, लेकिन अब हमारा उद्देश्य है जिस दिन आप सफल होकर आएंगे, आप अपने नियुक्ति पत्र हम तक पहुँचाएंगे। इसलिए मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ, आप जिस जिले से हों उस जिले के लोगों तक पहुँचाइए और जिले के लोगों को जोड़िए। क्योंकि अगर आपका आत्मा, आपका हृदय कहे कि नहीं, वास्तव में इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक एक बार नहीं दो बार रिविजन करके किसी भी किताब से पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो मालिक इस चैनल के भावी अध्यापक अध्यापिका बस इतना सहयोग करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, जूनियर एडिट की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, तो ये जूनियर के लिए भी यही होगा, अलग से मत परेशान होइएगा। और कोई सवाल आपका? बहुत अच्छा लगा सुजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता जी, इक्ता जी, पूजा, श्रेयस, दीपक और हवा का झोंका, शिप्रा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रियंका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तनुजा जी, चलिए सुंदरता का खजाना, जो भी हो, प्रियंका, साक्षी, आदिति, आशीष, अरुण, कंप्लीट, मोनू, अमित, संजीव, मोनी, योगेंद्र, नूर हसन, प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शैलेश, श्रेया, शिप्रा, शबनम जी, अंकिता, साक्षी, प्रियंका, नीलू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय। अमरान, महिमा, एकता जी, थैंक यू आपका, मोनू जी आपका भी थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तंजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जरूर बनेंगे, ईश्वर पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिएगा, कभी भी मेहनत से समझौता मत करिएगा। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कभी भी जौनपुर जनपद आइएगा, जरूर मिलिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे, जो भी जौनपुर जनपद के हों। डेली और क्लासेज होती हैं, सभी का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बसित शिक्षक परिवार में जल्दी से आए, बाय बाय। सुजी जी बहुत बहुत धन्यवाद।